नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है, भूमि के साथ डोरी का एक पतंग। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, तब यह मानकर डोरी पूर्णतः तनी हुई है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसकी ऊंचाई क्या करनी है हमको, ज्ञात करनी है भाई। तो चलिए उसकी ऊंचाई हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिया गया हमारे पास, देखिए दिया है हमारे पास, दिया ए बी का वैल्यू, देखिए यहाँ पर ए बी का वैल्यू दिया गया है 60 मीटर। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है हमारे पास, 60 मीटर दिया गया है। एंगल क्रिएट है, देखिए ए सी बी इक्वल टू कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ए सी बी इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। हमको ए सी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर हमारे पास क्या कर्ण नहीं है भाई, तो हमारे पास लंबा है और इसके बेस पे है साइन थीटा के बेस पे। तो यहाँ पर चूँकि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमको कर्ण का मान ज्ञात करने से साइन थीटा लेना पड़ेगा। लंब बटे आधार लेंगे तो 10 थीटा आता था, तो चूँकि हमको कर्ण का मान ज्ञात करने से लंब बटे आधार, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। लंब कितना दिया गया है हमारे पास, ए बी दिया गया है, और कर्ण कितना है, ए सी। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू है 60 डिग्री, और ए सी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 60 × 2 = 120। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी का वैल्यू 120 मीटर। ये रहेगा आपका आंसर, क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस का आंसर, जब एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें केवल एक क्वेश्चन में साइन थीटा, एक और क्वेश्चन में साइन थीटा का बेस होता है, बाकी सभी क्वेश्चन में आप लोगों का 10 थीटा ही आता है। तो यह था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड।